मार्केट और आज पूरा वेज है, इग्नोर दी नॉइज। सो आज का छोटा सा ब्लॉग जाने वाला है और हम आ गए पहले ही देखो फिश सो गाइस, ये आपको मिल जाएगा दी फेमस सीरा मार्केट के बेसमेंट पे एकदम, और वहाँ पे इसके साथ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो जाके आप लोग कर सकते हो, लाइक मेहंदी एंड बॉडी मसाज एंड सो मेनी अदर स्टिंग टैटू एट्सेट्रा। पहले तो बहुत डर लग रहा था, ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी मैंने सिटी सेंटर वन में करवाया हुआ था, वो भी 5 years ago लेकिन बहुत दिनों के बाद मैंने फिर करवाया, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा यू नो गूज बम्स निकल रहे थे, बहुत दिनों के बाद था। यहाँ पे सब मैच देख रहे हैं अभी और मैं यहाँ पे रिलैक्स कर रही हूँ विद दिस फिश टू, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रहा है बट बहुत मज़ा भी आ रहा है। इससे बेस्ट रिलैक्सेशन और कुछ हो नहीं सकता है। आप लोग यहाँ पे आओ, 10 minutes 100 एंड जो भी डिटेल्स है वो भी हम डाल देंगे, आई मीन जो जहाँ लिखा हुआ है वो पूरा डालेंगे क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। सो फिश स्पा के बेनिफिट्स क्या है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे टाइमिंग एंड प्राइस भी आप लोग देख सकते हो। सो सीरा मार्केट पे आप लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑफर्स में ये लोग देते रहते हैं, मिल जाएंगे। प्राइस इन लोगों के लगे रहते हैं लाइक 699 799 599 डिस्काउंट, पता नहीं 1 रुपये बचा के कौन सा अंबानी बन जाएगा हम लोग। जो भी हो, हम यहाँ पे गए थे और मैंने एक पैंट ख़रीदा और मैं एक्चुअली यहाँ पे गई थी फॉर सम एक्सेसरीज, मुझे अपने आउटफिट के लिए चाहिए था, तो मैं खूब बहुत ज़्यादा ज्वेलरी एंड ऑल ये तो पहनती नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, आप लोग देखे ही हर वीडियोज़ में कूल सा टी शर्ट डाल लिया, फिर कोई भी कपड़ा पहन लिया और माथे पे टोपी डाल लिया, बस दैट्स ऑल। बट मैं मेरा इतना ही चलता है, मेकअप की ज़्यादा शौकिंग हो मुझे और लेकिन एक्सेसरीज़ अच्छे लगते हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो सोचा कि कुछ बैंगल्स एंड ऑल ख़रीद लेते हैं क्योंकि वीडियो बनाने में काम आ जाता है। फिर सो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने बार्गेनिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा बचा लिया, जो कि बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि मुझे देखते ही वो लोग डबल प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर उसका आधा आधा करके वो ऐसा जताते हैं कितने कम प्राइस में। अरे बिजनेस तो मैं भी करती हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं उल्लू बन जाती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ख़रीदना तो है ही। ये 2 bangles मुझे 250 के पड़े थे जो कि मैं बेवकूफ़ बन गई, वॉट एवर। और हाँ, अगर आप लोग स्प्लैनेट जा रहे हो एंड केसी दास, और यहाँ पे देखिए रेमोंड लिखा हुआ है, एकदम केसी दास का जो मिठाई का शॉप है उसके साइड वाला गली है, उसके वहाँ पे जाके आप ये मैंगो वाला शरबत लेना मत भूलिए। और मैं डे बाई डे वेज खाना अच्छे से सीख रही हूँ, ढोकला से लेके इडली से लेके, जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा था वो अभी हम सब खा रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी लगे रिसेंट, तो यहाँ पर भी हम वेज ही खाए क्योंकि आज भी ट्यूसडे ही था, ट्यूसडे में मैं वेज खाती हूँ जाके। और ये रहा मेनू, बहुत मेनू है, आप लोग खा के ख़त्म नहीं कर पाओगे, वेज में इतने सारे मेनूज़ आते हैं। और मैंने डोसा मंगवा लिया, मैं डोसा अच्छी खा लेती हूँ, मुझे दही बड़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन ट्राई किया था, ख़राब भी नहीं लगा वीडियो के लिए एक ब्लॉगर को क्या क्या नहीं करना पड़ता, जो चीज़ वो खाती भी नहीं थी वो सब कुछ खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लाइक मी, ये सच है, मैं बिल्कुल दही बड़ा नहीं खाती थी लेकिन मैंने ट्राई किया और मुझे अच्छा भी लगा। और मैं डोसा कुछ रोटी की तरह खाती हूँ ऐसे, लाइक आप देख सकते हो वीडियो में। और इन लोगों का डोसा और दही बड़ा सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, एसी भी है तो गर्मी में आप लोग बाहर के फूड्स ना ही ट्राई करो, अंदर बैठ के आराम से खाओ, शॉपिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो आपको मेरा ओवरऑल बिल यहाँ पे 200 से 250-260 ऐसा ही कुछ हुआ था, मुझे ठीक याद नहीं। तो ये भी एकदम सीराम के ठीक पास में ही है, मैं दुकान का नाम दिखा दूँगी तो आप लोग इजीली जा सकते हो।
सो गाइस, काम के थोड़े प्रेशर की वजह से मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ, तो वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं पता है, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.